हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी मॉर्निंग का 6:30 हो रहा है, तो मैं अभी लंच और ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। तो लंच में मैं आज गोभी और आलू का कसा बनाऊँगी, या दाल बनाऊँगी, राइस बनाऊँगी। तो हस्बैंड के लिए ये टिफिन, मतलब ये लंच बॉक्स में दूंगी, और उसमें थोड़ा सा सलाद भी बना के दूंगी। तो इस साइड में दाल में मैं एक आलू को बॉईल कर दी हूँ, दूसरे साइड में गोभी को मैं फ्राई होने के लिए छोड़ दी हूँ। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं रोटी बना रही हूँ। तो ये जो रोटी को ये सेम सब्जी, जो गोभी आलू की सब्जी जो है, इसके साथ मिला के वो खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, और लंच में सेम सब्जी में यूज़ कर लूँगी। ये एक अच्छा सा सब्जी होता है, और सर्दियों में गोभी जो है अच्छा मिलता है। अभी फिर भी बहुत दिन से गोभी नहीं खाए थे, तो इसीलिए मन हुआ कि एक गोभी ले आते हैं, तो इसीलिए मैं गोभी का सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल की हूँ गोभी का सब्जी में। तो ये जो रोटी दिखा रही हूँ, ये हस्बैंड के लिए मैं घी का रोटी पैक करके दूंगी। तो ये देखिए, गोभी मेरा फ्राई हो गया है। उसमें मतलब हाफ टी स्पून से भी कम ऑयल मैं इस्तेमाल की थी, और यहाँ पे मेरा गोभी और आलू बॉईल होने के बाद आलू को भी यहाँ पे फ्राई कर दी थी। तो दूसरा साइड में मैं दाल होने के बाद राइस लगा दिए हूँ। तो जब तक ये राइस बन रहा है, तब तक मैं भी दूसरा साइड में गोभी का सब्जी के लिए मसाला बना लूँगी। मसाला मैं एज यूजुअल मसाला यूज़ करूँगी, जैसे कि मतलब ओनियन को पहले फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद जैसे ग्राइंड करके मैं यूज़ करती हूँ, अदरक लहसुन टमाटो और मिर्ची, यही मसाला मैं यूज़ करूँगी इसमें। तो यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ दी थी, तो तेल भी डाल दी हूँ उसमें। ये जो दिखाई है मसाला, मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ। तो मसाला भी मेरा ग्राइंड हो गया, तो अभी मैं यहाँ पे ये मसाला को मतलब तेल गर्म होने के बाद यहाँ पे मैं ऑनियन फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका था, तो ओनियन को फ्राई होने के लिए डाल दी। ओनियन मैं एक बड़ा ओनियन ली थी, उसका आधा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, और वो जो दूसरा जो आधा है, आधे से मैं थोड़ा सा डालूँगी दाल में, और थोड़ा सा रायता में डालूँगी। ये जो है पेस्ट मसाला रेडी हो गया है, अभी मैं ये मसाला को भून लूँगी अच्छा से। और मेरे पास उतना टाइम नहीं है आज, तो इसको मैं ढक ढक के पका दूँगी, क्योंकि ढक के पकाने से ये जो मसाला जल्दी बन जाता है। तो चावल भी मेरा सिटी लग चुकी है चावल में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे तड़का पैन लगा दी हूँ दाल में तड़का लगाने के लिए। तो प्याज भी मेरा फ्राई हो चुका है, तो यहाँ पे मैं वो जो पेस्ट मसाला ऐड कर दी, और पेस्ट ऐड करके इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, और पानी ऐड करके फिर पाउडर मसाला ऐड कर दूंगी। तो ये जो मिक्सी है, इसी को ही धो के मैं पानी इसमें ऐड कर दी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारा लगा हुआ था, तो इसीलिए मैं मिक्सी को धो के पानी इसमें ऐड कर दी। तो दूसरा साइड में तड़का पैन गरम हो गया है, तो इसमें मैं सरसों का तेल का आज तड़का लगाने जा रही हूँ। आज मैं घी इसमें नहीं डाल रही हूँ, सरसों का तेल का जो तड़का होता है वो भी अच्छा लगता है, तो इसको मैं ऐड कर रही हूँ। और ये जो खीरा दिखा रही हूँ, ये मैं सलाद के लिए कट करने जा रही हूँ। जब तक ये सारा बन रहा है, तब तक मैं सलाद भी कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं पाउडर मसालों में सॉल्ट, हल्दी और हल्का सा रेड चिल्ली पाउडर, और चिकन मसाला थोड़ा सा ऐड करूँगी। रेड चिल्ली पाउडर आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे चिल्ली का पेस्ट ली थी, मतलब चिल्ली पेस्ट, मसाला पेस्ट करते वक्त चिल्ली ऐड की थी, तो इसीलिए बस कलर के लिए मैं थोड़ा सा रेड चिल्ली डाल रही हूँ।
अगर आप रेड चिल्ली पेस्ट नहीं डाल रहे हो तो इसमें आप अपने स्वाद के हिसाब से रेड चिल्ली का पाउडर भी डाल सकते हो। तो ये सब डाल मतलब ऐड करके इसको अच्छे से भून लेती हूँ, फिर इसको ढक लूँगी। दूसरा साइड में मेरा सरसों का जो तेल है वो गर्म हो चुका था, तो इसलिए मैं इसमें जीरा ऐड कर दी और प्याज भी ऐड कर दी। प्याज जितना प्याज थोड़ा सा ऐड कर दी, एक मिर्ची उसमें ऐड की। ऐड करके इसको थोड़ा देर के लिए चला देना है, जैसे कि प्याज थोड़ा सा प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर इसको मैं दाल में तड़का लगा दूंगी। दूसरा साइड में मसाला को भी ढकती हूँ। तो यहाँ पे ये जो दाल है इसमें मैं तड़का लगा दे रही हूँ। तड़का लगा के उसको कुछ देर के लिए ढक के रख देना है, नहीं तो तड़का का जो स्मेल होता है वो बाहर चला जाएगा, तो अच्छा नहीं रहेगा। मतलब स्मेल थोड़ा अंदर तक जाने से उसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसीलिए इसको ढक के रखते हैं। और जब तक ये सारा बन रहा है तब तक मैं सलाद का प्रिपरेशन कर ली। ये देखिए मेरा सलाद बन गया है, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा ये जो है काली मिर्च का पाउडर, जो ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी, और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी ऐड करूँगी। ब्लैक सॉल्ट अभी तो नहीं ऐड करूँगी, बाद में मतलब लास्ट में ऐड करूँगी। तो यह देखिए ये मसाला भी बन के रेडी हो गया है, तो मेरा सलाद भी बन के रेडी हो गया है। इसमें मैं प्याज ऐड नहीं की थी, तो प्याज ऐड करके जो दिखाई ये प्याज ऐड करके दिखाई। मसाला बनने के बाद एक गोभी और आलू जो भुन के मैंने रखा था उसको ऐड कर दी। इसको अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालूंगी। ये बिल्कुल सूखा बनेगा, क्योंकि मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये जो दिखा रही हूँ ये धनिया पत्ती को मैं टुकड़ों में काट कर दिखा रही हूँ। तो ये मेरा गमले में मैं लगाई थी, ये हुआ है, तो इसका खुशबू काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सब्जी भी बन के रेडी हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ कर दी। तो अभी ये जो दिखा रही हूँ ये हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स है। राइस दाल, राइस में थोड़ा सा ऐड करूँगी ये घी, क्योंकि उनको घी राइस बहुत अच्छा लगता है दाल के साथ। और ये जो है रायता है, और दूसरी साइड में गोभी का सब्ज़ी रखी हूँ, और वही सब्ज़ी के ऊपर मैं रोटी दे दूँगी, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट भी वहीं से कर लेंगे, उनको इजी होगा, ज़्यादा बॉक्स पकड़ना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं एक साथ दे रही हूँ। और ये जो दिखा रही हूँ जूस रखी हूँ मैंगो का, तो ये हस्बैंड के लिए है, वो कुछ ना कुछ पी के तो जाते हैं, चाहे चाय हो, जूस हो, लस्सी हो, कुछ भी मतलब वो पी के जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उनका लंच बॉक्स रेडी कर दी। यहाँ पे ये बैग में मैं उनके लिए पैक कर दे रही हूँ ये बॉक्स।
तो उसके बाद जितना बर्तन पड़ा हुआ है उसको सारा साफ कर लूँगी। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। कैसा लगा मेरा ब्रेकफास्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो मैंगो जूस को मैं फ्रीज। कैसी थी आज की ये जो मॉर्निंग रूटीन तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये जो है ये लड़की ये बैठी हुई है सबको हाय बोलने के लिए, बोली कि सबको मैं हेलो फ्रेंड्स बोलूँगी ऐसे बोल के बैठी है। तो अभी वो नहा के आई और उसके बाद उसको एक केला खिला दी, मतलब वो अपने से आज खाई है। तो अभी इधर बैठी है सबको हाय बोलने के लिए। कैसे हाय बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? उधर देखो, उधर देखो, देख के बोलो हाय। इधर आ जाओ, हाँ बोलो हाय। तो मैं अपने ब्रेकफास्ट के बारे में आज थोड़ा कुछ बोलूँगी। मैं जो ब्रेकफास्ट करती हूँ हमेशा, मतलब हो गया एक साल से मैं डाइटिंग कर रही हूँ, तो काफ़ी सारा रिजल्ट भी मुझे मिला है। 20 kg मैंने लूज़ किया है। तो उसके लिए मैं जो ब्रेकफास्ट लेती हूँ ना, हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लेती हूँ। जो भी खाना खा रही हूँ आजकल, तेल मसाला, थोड़ा मसाला जो है जो भी हो तेल कम रहता है। और ब्रेकफास्ट में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वेजिटेबल्स, ये पोर्शन मुझे मिले। अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा है एक दिन मैं स्किप कर लेती हूँ प्रोटीन का, पर कार्बोहाइड्रेट 2% और वेजिटेबल्स अच्छी क्वांटिटी में मैं लेती हूँ, चाहे वो सब्जी बना के हो नहीं तो सलाद के रूप में हो। और कुछ फ्रूट लेने को हमेशा कोशिश करती हूँ, जिस दिन हो पाया नहीं हो पाया तो भी चला लेती हूँ, नहीं तो मैक्सिमम मैं ऐसे मतलब पूरा भरा भरा थाली लेती हूँ, जैसे कि 2% कार्बोहाइड्रेट, 1% प्रोटीन और जितना कार्बोहाइड्रेट मतलब हाफ ऑफ द प्लेट रहता है वेजिस। एंड कुछ फ्रूट्स जैसे कि एक केला हो, चाहे थोड़ा सा मैंगो, अभी तो सीजनल फ्रूट है मैंगो, तो इसीलिए मैं मैंगो जूस ली हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा शुगर उसमें ऐड कर दी थी, मैं तो कोशिश करती हूँ कि मेरा खाने में शुगर थोड़ा कम रहे, क्योंकि शुगर जो होता है ना वो फैट बढ़ा देता है, तो इसीलिए शुगर और ऑयल इसको कम करने के लिए हमेशा कोशिश करती हूँ। तो कैसी थी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसी के साथ अपना वीडियो एंड कर रही हूँ, मैं फिर मिलूँगी अपना नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर।